प्रधानमंत्री के आह्वान पर चलाए जा रहे 4 दिवसीय सांसद खेल महोत्सव का हुआ शुरुआत। पटना साहिब विधानसभा क्षेत्र के मनोज कमलिया स्टेडियम में फुटबॉल मैच का उद्घाटन पटना साहिब सांसद सपूर्व केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने किया। वहीं पौधा में जलार्पण एवं गुब्बारा उड़ाकर खेल महोत्सव का किया गया शुरुआत। वहीं खिलाड़ियों को हौसला बढ़ाते हुए सांसद रविशंकर प्रसाद ने कहा कि केंद्र खेल नीति के कारण आज राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खिलाड़ी ख्याति प्राप्त कर रहे हैं और विभिन्न विद्याओं में कॉमनवेल्थ, ओलंपिक, एशियन गेम में अच्छा प्रदर्शन कर मेडल प्राप्त कर रहे हैं। इसे और आगे बढ़ाने की जरूरत है। इस महोत्सव से नई प्रतिभा की खोज होगी। आज के इस मैच में सिटी एथलेटिक क्लब बनाम पाटलिपुत्र यंग फुटबॉल क्लब के बीच फुटबॉल खेला गया। इस महोत्सव के अंतर्गत 3 वरिष्ठ खिलाड़ी, राष्ट्रीय रेफरी विजय कुमार सिन्हा, पूर्व फुटबॉलर प्रहलाद प्रसाद यादव एवं कृष्ण कुमार रजक एवं युवा खिलाड़ी कोच प्रशांत कुमार, अवधेश कुमार, जितेंद्र कुमार, राजीव कुमार, पुट्टू कुमार को सम्मानित किया गया। उद्घाटन सत्र में योग गुरु सत्येंद्र जी के सानिध्य में सूर्य नमस्कार ध्वनि मंत्र द्वारा बच्चों ने योग की प्रस्तुति की। महोत्सव का संचालन अवधेश कुमार ने किया एवं धन्यवाद ज्ञापन पूर्व डिप्टी मेयर व भाजपा नेता संतोष मेहता ने किया। इस मौके पर उपमहापौर रश्मि चंद्रवंशी, पाटलिपुत्र परिषद अध्यक्ष डॉ. त्रिलोकी प्रसाद गोलवारा, सुरेश पटेल, पवन मेहता, सुजीत कुशवाहा, संजीव मेहता, आर्यन कुमार, नवल किशोर सिन्हा, साधना जी उर्फ गुड़िया, अमित कनोड़िया, अशोक गिरी सहित अन्य खेल प्रेमी शरीक हुए। सौर भारत की ओर से राकेश रंजन की एक रिपोर्ट। इसलिए आज मैं यहाँ आया हूँ, पाटलिपुत्र खेल परिषद, उसके सारे पदाधिकारी, सारे खिलाड़ियों का बहुत सम्मान है। ये सांसद खेल योजना हमारे प्रधानमंत्री की सोच है कि हर लोकसभा क्षेत्र में भाजपा के सांसद खेल प्रतियोगिता कराएं, बाकी भी करा सकते हैं। लगभग 2000 बच्चे कल आए खेल रहे हैं। आज यहाँ पर 2 टीमों के बीच में फुटबॉल का कार्यक्रम है और चेस का खेल हो रहा है, कबड्डी का खेल हो रहा है, कराटे का खेल हो रहा है। बच्चियाँ गाँव की क्या कबड्डी खेल रही हैं, मैं भी अवाक हूँ। नए बच्चों को अवसर मिले, इसका अभिनंदन है। तो आज मेरी बहुत शुभकामना है, बहुत ही सफल कार्यक्रम है। मुझे एक सवाल नीतीश कुमार से पूछना है, आपकी सरकार चल कैसे रही है? देश के गृह मंत्री अमित शाह जी आए हैं, कहा गया कि ससरा में 144 लगा हुआ है और वहां के डीएम साहब का मैंने स्टेटमेंट देखा कि एकदम शांति है, और ललन सिंह कह रहे हैं कि भीड़ नहीं जुटी, तो सच्चाई क्या है? अगर नीतीश कुमार की सरकार यह समझती है कि 144 लगा करके अमित शाह के कार्यक्रम को फेल करेंगे तो इस मुगालते में मत रहिए, अमित शाह 10 बार आएंगे। बिहार में हमें बदलाव करना है। लेकिन ये क्या है, नालंदा नहीं समझ रहा है आपसे, बाकी जगह समस्या है? तो क्या जिस नए संबंध में आप गए हैं नीतीश बाबू, उसका असर आपके ऊपर आ गया है कि विधि व्यवस्था आपके कंट्रोल में नहीं है, या सिर्फ वोट बैंक पॉलिटिक्स के कारण ये किया जा रहा है ताकि लोगों को वोट के नाम पर कुछ भी किया जाए? और तीसरी बात मुझे कहनी है, आपको मालूम है कि रामनवमी है ना, रामनवमी में लोग राम की यात्रा निकालते हैं, राम की पूजा करते हैं, तो आपकी व्यवस्था चाक चबंद क्यों नहीं है? इसका जवाब आपको देना पड़ेगा नीतीश कुमार जी। अब आप बिहार में संतुष्टिकरण नहीं कर रहे हैं, अब आप बिहार में तुष्टिकरण कर रहे हैं, यही समस्या है। लेकिन आपको जितना करना है कर लीजिए, भाजपा के नेता आते रहेंगे, अमित शाह आते रहेंगे, क्योंकि हमें यहाँ लोकसभा का चुनाव जीतना है और 25 में भाजपा का मुख्यमंत्री बनाना है बिहार के विकास के लिए। ज्वेलरी, डायमंड ज्वेलरी, प्लैटिनम ज्वेलरी, सिल्वर और स्टोन्स की एक संपूर्ण रेंज, जगमोहन लाल शिवरतन लाल ज्वेलर्स, पटना सिटी चौक, पटना।